परेशान है, हमारे जो सलून टाइम है वो तो उसी वक्त लाइट चली जाती है, हम लोग किस तरह काम करें? लोग आते हैं मेकअप कराने के लिए, ड्राई कराने के लिए, हम कब तक यूपीएस इस्तेमाल करें? यूपीएस से मशीनें तो नहीं चलती है ना। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टडीज़ में, रात में चली जाती है लाइट, तो सुबह एग्जाम्स के लिए जाहिर है, फिर जब रात में देर में सोएंगे तो फिर सुबह भी जो है वो आँख नहीं खुलती है। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि दो दो घंटे की लोड शेडिंग कर दी है और हर चार घंटे बाद जा रही है। लोड शेडिंग तो कम होनी चाहिए, जब चाइना 300 रुपए पर यूनिट पे हमें बिजली दे रहा था, हम उससे क्यों नहीं ले रहे? किसी को, जो लोग खुद एसीओ में रहते हो, जिन लोगों के पास कभी बिजली जाती ना हो, उनको क्या पता बिजली जाने का क्या गम होता है? उनको अगर ये पता चल जाए तो फिर पता लग जाए, लग पता जाए, जैसे बोल पहले 1.5 घंटा होता था, अब 2 घंटा कर दिया। अब मतलब टाइमिंग भी ऐसे चेंज कर देते, पता भी नहीं चलता। हाल यही है कि हुक्मरान जो है वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है, पूरा पाकिस्तान ठीक हो सकता है, लाइट तो छोटी बात है। दिन भर बंदा काम करे, घर जाए तो घर में भी कम से कम 2 से 3 घंटे की लाइट गई हुई होती है, तो यानी एक स्ट्रेस भी रहता है, बंदा सुबह ऑफिस आते हुए फ्रेश नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा काम के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए बिजली के बिल ज़्यादा हैं, उस पर टैक्सी इतने लग गए हैं, लेकिन उसी हिसाब से जो है बिजली को माइनस कर दिया गया। KESC बिल तो बढ़ाती जा रही है लेकिन बिजली को कम करती जा रही है। जो आजकल जिस तरह लोग सब कहते हैं कि एक शेर बना लिया है कि कुछ इस तरह कहते हैं, KESC का वादा बिजली कम बिल ज़्यादा,